हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं स्पेसेस के एक और ऑप्शन की जिसका नाम है स्प्लिट फाइल। तो स्पेसेस ऑप्शन प्लेलिस्ट में अभी तक हमने बात किया वेट केस की, सिलेक्ट केस की, और एक हमने ट्रांसफॉर्म में रिकॉर्ड इनटू सेम या डिफरेंट वेरिएबल इनकी बात की है। एक और बहुत पावरफुल मेनू है जिसका नाम है स्प्लिट फाइल। नाम से ही पता लग रहा है, स्प्लिट फाइल मतलब हम पूरी फाइल को दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स में स्प्लिट कर देंगे। तो जिसके बेस पे हम स्प्लिट करेंगे वो वेरिएबल कैटेगोरिकल होना चाहिए। मैं आपको एक करके बताता हूँ कि जैसे मेरे पास ये डाटा फाइल है कार सेल्स एसपीएसएस के सैम्पल फोल्डर में है, इसमें लगभग सारे वेरिएबल रेशो टाइप के हैं, सेल्स, रीसेल, प्राइस, इंजन, हॉर्स पावर, और ये मैंने काफ़ी वीडियो में यूज़ की है यही फाइल, एक ही फाइल। एक इसमें है इंडिकेटर टाइप, और दिस इज टाइप, वेरिएबल का नाम है टाइप, जिसमें ऑटोमोबाइल से ट्रक है। SPSS का मैं 24 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर अभी लेटेस्ट ऊपर ही आपका मॉडल की ये भी आ जाएगा कि किस तरह का वेरिएबल है, जो पहले हमें यहाँ दिखता था खाली, अब ये चीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल है। मान लीजिए मुझे चाहिए इंजन का जो साइज़ है उसका मीन चाहिए, या हॉर्स पावर का मीन, व्हील बेस का मीन मुझे चाहिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए सेपरेट, ट्रक्स के लिए सेपरेट। अब इसके अलग अलग मेनू एक बार दोबारा देखें, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव। इसमें अगर हम यहाँ सारे इनको डालते हैं, सेल्स, प्राइस, इन सबको, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये देगा हमें सारे कॉलम का, एसपीएसएस कॉलम के लैंग्वेज में काम करता है। तो जैसे मैंने कहा सेल्स, बाय डिफॉल्ट जितने भी मेरा सैंपल है 157, ऑब्वियसली मिसिंग भी हैं कुछ, तो उनका मुझे मीन दे रहा है। पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेल्स ऑटोमोबाइल्स का सेपरेट और ट्रक का सेपरेट। इसको करने के लिए हमारे पास एक होता है कंपेयर मीन्स मीन्स। एक्चुअली नाम से लग रहा है मीन, बट कोई भी स्टैटिस्टिक्स हम कैटेगरी वाइज निकाल सकते हैं। तो जैसे सेल्स फॉर ईयर सेल और तीन चार और ले लेते हैं, इनको व्हीकल टाइप को मैंने डाला इंडिपेंडेंट पे। ऑप्शंस में देखें, बाय डिफॉल्ट है मीन, नंबर ऑफ केसेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी तरह मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, कर्टोसिस, स्क्वेयरनेस, कुछ भी, आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। सो कंटिन्यू एंड ओके। तो चेक करें वही, ओके, ये तो हमारा आया था टोटल का। टोटल का सेल्स आया है 52, 52 टोटल का है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स का 43 है, ट्रक्स का 80 है, ओवरऑल 52.99 है। तो ये जो दे रहा है, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके डिस्क्रिप्टिव यूज़ करेंगे, ये यूज़ होगा टोटल पूरे कॉलम के लिए। और यहाँ पर है सेपरेट सेपरेट, एन मैंने हटा दिया इनका, वरना इनका अलग अलग आएगा। करके देखें एक बार, एन कितना आएगा, नंबर ऑफ केसेस, सो कहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ केसेस, परसेंटेज दिस नंबर ऑफ केसेस, ओके। तो इसने बताया ऑटोमोबाइल्स के 116 केस हैं, ट्रक के 41, और टोटल आ गया 157। तो अगर आपको कंसेप्ट याद हो, दिस वाज समथिंग लाइक कंबाइंड मीन, N1X1 प्लस N2X2 डिवाइडेड बाय टोटल। ये जो हमारा निकालते हैं हम मीन डिस्क्रिप्टिव से, ये पूरे कॉलम का आता है, ये होगी कैटेगरी वाइज। तो लेकिन बहुत बार तो हमें क्या करना है, पूरी फाइल को ही हम दो या उससे डिवाइड कर देते हैं, और हर एनालिसिस टू दैट एक्सटेंट मुझे फैक्टरलिसिस लगाना है, रिग्रेशन रन करना है, वो भी मैं चाहता हूँ सेपरेट सेपरेट हो ग्रुप के लिए। इस चीज़ को बोलते हैं स्प्लिट फाइल। स्प्लिट में क्या करेंगे, जैसे ही हम स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, बाय डिफॉल्ट है एनालाइज ऑल केस, डू नॉट क्रिएट द ग्रुप, कंपेयर ग्रुप और ऑर्गेनाइज। कंपेयर ग्रुप में क्या होगा, एक ही टेबल में, जैसे ऑटोमोबाइल ट्रक आया है, एक ही में दोनों कैटेगरीज के अलग अलग स्टेटिस्टिक्स आ जाएंगे, जो भी आप निकालेंगे। आउटपुट ऑर्गेनाइज ग्रुप आउटपुट मीन्स टेबल, ऑटोमोबाइल्स की टेबल बिल्कुल अलग, ट्रक की टेबल बिल्कुल अलग। पहले कंपेयर ग्रुप करके देखते हैं किस बेसिस पे स्प्लिट करना है, व्हीकल टाइप के बेस पे करना है, राइट, ओके। तो नीचे यहाँ लिखा गया स्प्लिट बाय द टाइप, और अगर आप डाटा फाइल देखें, डाटा फाइल में यहाँ कोने में लिखा जाता है स्प्लिट बाय टाइप। इसका क्या नाम है, इस वाले का, ये जो बार है हमारी, तो इस वाले का नाम होता है स्टेटस बार। तो एक बार दोबारा इनके नाम उनके लिए देख लें, सबसे ऊपर टाइटल बार, दिस इज मेनू बार, दिस इज आइकन बार, फॉर्मूला बार, ये अपना मेन टेक्स्ट, उसके बाद स्क्रॉल बार, फिर ये डाटा व्यू, और इसका नाम होता है, ये एक तरह का किसी भी सॉफ्टवेयर का जो स्टेटस बार होती है वो आउटपुट होता है। SPS कोई भी सॉफ्टवेयर इस स्टेटस बार से आपसे बात करता है। और नीचे इसका क्या नाम होता है, टास्क बार, ये और ये सिस्टम।
ये जो बेसिक कंप्यूटर्स के लिए टर्मिनोलॉजी है, तो यहाँ पर लिखा जाता है स्प्लिट बाय टाइप। अब कुछ भी अगर हम करेंगे, कुछ भी, तो वो हर चीज को इसका सेपरेट देगा, इसका सेपरेट। फॉर एग्जांपल, अब मैं बोलता हूँ अब हम इसको यूज नहीं करेंगे, अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये जो मैं इससे कर रहा था व्हीकल टाइप करके वो मैंने पूरी फाइल के लिए कर दिया। अब हम बोलते हैं सिंपल डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में ये सेल्स वगैरह इनका निकाल के बताएं। अब ये कैसे निकालेगा, जो भी कुछ काम करेगा, ऑटोमोबाइल के लिए सेपरेट, ट्रक के लिए सेपरेट। लेट्स रन रिग्रेशन। रिग्रेशन रन करें, डिपेंडेंट वेरिएबल एमपीजी, ये फाइल मैंने पहले भी ली हुई है, एमपीजी डिपेंड्स ऑन हिन प्राइस एक्सेट्रा दिस। अब क्या होगा, ये सेपरेट सेपरेट आएगा कि अगर आप ऑटोमोबाइल्स के लिए अलग, ट्रक के लिए अलग, मॉडल समरी सेपरेट, व्हीकल टाइप सेपरेट, इसके लिए सेपरेट। तो बेसिकली जब हम मॉडरेशन इफेक्ट देखते हैं, हम यही देख रहे होते हैं कि इंजन साइज का, फ्यूल एफिशिएंसी और इंजन साइज का जो रिलेशन है स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज बीटा, वो 0.489 है, और यहाँ ट्रक में देखिए 3.5, इन दोनों में डिफरेंस है। यानी अगर हमें चाहिए टेबल ही सेपरेट सेपरेट दें, तो स्प्लिट फाइल में हम करेंगे ऑर्गेनाइज आउटपुट बाई ग्रुप। और अब हम रन करते हैं लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो ये आ गया ऊपर व्हीकल टाइप ऑटोमोबाइल्स, ये ऑटोमोबाइल्स के लिए है सैम्पल साइज ऑफ 114, और ये है ट्रक के लिए सैम्पल साइज ऑफ 40। ठीक है, दो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि टूल तो काफ़ी अच्छा है, यूज़ कहाँ करेंगे? इस टूल को हम यूज़ करते हैं पूरे स्टेट्स में। अगर आपने कभी एक चीज़ पर ध्यान दिया, रिग्रेशन के अंदर यहाँ पर है एक सिलेक्शन वेरिएबल, इसका क्या मीनिंग होता है? फैक्टर एनालिसिस में भी आता है, डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर, सिलेक्शन वेरिएबल। डिस्क्रिमिनेंट में क्लासिफाई, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, यहाँ भी सिलेक्शन वेरिएबल। ये मीनिंग क्या है, सिलेक्शन वेरिएबल क्या होता है? हर जगह ये सजेस्ट किया जाता है कि आप एक लार्ज सैंपल पे काम करें, लार्ज सैंपल समथिंग लाइक 500 1000 प्लस। उसके बाद अपने सैंपल को रेंडमली टू में डिवाइड कर दें, वन इज कॉल्ड एनालिसिस सैंपल, अदर इज कॉल्ड वैलिडेशन सैंपल। ये एनालिसिस और वैलिडेशन सैंपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दो में डिवाइड करें, कोई भी चीज़ है पहले एक बार लगाएं, और दूसरे हिस्से पे जो बिल्कुल अनटच्ड है, जिसको फर्स्ट टाइम नहीं यूज़ किया हमने, उसमें वही एनालिसिस दोबारा लगाएं। अगर आपके रिजल्ट्स सेम आ रहे हैं, यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट कि मेरा काम अच्छा है, करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो स्प्लिट जब तक आप ऑफ नहीं करेंगे, तब तक ये हर चीज़ स्प्लिट करता जाएगा। तो मैंने यहाँ किया एनालाइज ऑल केसेस, स्प्लिट ऑफ हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मैसेज आ गया होगा, कुछ नहीं है स्प्लिट। नया वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, लेट्स से इसका नाम मैंने रखा R&D, कोई भी नाम रख लीजिए। और यहाँ पे हमें एक जनरेट करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी हो सकता था, डाटा के अंदर कैसे हम सिलेक्ट करें, एक तो सिलेक्ट केसेस में है, मैंने अलग वीडियो में समझाया हुआ है कि रेंडम सैंपल को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, और एक फंक्शन है इसका rv.bernoulli, ठीक, कैसे ढूंढें, ऑल पे क्लिक करें और यहाँ क्लिक कर दें rv, तो आ गया rv.bernoulli। और ये लिखा हुआ है फंक्शन क्या करता है, ये रेंडम वैल्यू एक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कुछ किसी के आगे 1, किसी के आगे 0। इसको ऊपर पहुँचाएं, कितना प्रपोर्शन जनरेट करें, लेट से जनरेट 0.5। ठीक है, एक नया रेंडम वेरिएबल बनाएं और रेंडमली किसी के आगे 1 लिखे, किसी के आगे 0, 50% के आगे। ओके, कुछ हुआ, इसने कहा हाँ मैंने कंप्यूट कर दिया, दिखाओ कहाँ है कंप्यूट, तो लेट्स गो ऑन द, कोई भी नया करते हैं, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जाते हैं, चेक कर दें किसी के आगे 0 लिखा है, किसी के आगे 1 लिखा है, कितना क्या है, वाकई 50-50 है, चेक करते हैं, नॉट नेसेसरली एग्जैक्ट 50 हो, 50.3, 49.7, ओके चलेगा, क्योंकि 158 है तो एग्जैक्ट 50 पॉसिबल नहीं है, चलेगा इतना सा। अब हमें क्या करना है, एनालिसिस सैंपल, और इसका मीनिंग ये हुआ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम रिग्रेशन रन करूं, लीनियर सिलेक्शन वेरिएबल, एक तो हम यहाँ से दे सकते हैं रैंडम रूल वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक, कंटिन्यू, ओके। तो यहाँ पर हो गया ये 77 के ऊपर ये रन हुआ। और अगर हम करेंगे लीनियर रिग्रेशन रैंडम इक्वल टू 1, तो ये बाकी के ऊपर रन होगा। तो या तो हम इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं,
कि आपने रेंडमली दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उसके बेस पे आपने दो बार रिग्रेशन रन कर दिया और फिर आपने चेक किया कि जो अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट यहाँ आए हैं और जो यहाँ आए हैं दोनों सेम है यानी। अगर रेंडमली करना है तो हम ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल यूज कर सकते हैं या डाटा के अंदर सिलेक्ट केस। लेकिन मुझे रेंडमली नहीं करना, मेरे बैंक है, मेरे पास दो सेक्टर हैं पब्लिक और प्राइवेट। मैं चाहता हूँ सारी एनालिसिस पब्लिक के लिए अलग हो, प्राइवेट के लिए अलग हो, तो रेंडमली नहीं होगा, तब एक वेरिएबल के बेस पे होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्प्लिट फाइल। तो एनालिसिस सैंपल वैलिडेशन सैंपल एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो हमेशा सजेस्ट की जाती है। लार्ज सैंपल लें, लार्ज मैं 1000 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इवन अगर आप यहाँ रन करते हैं डायमेंशन रिडक्शन में फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस में कितना होना चाहिए, 5 times या 10 times हम बोलते हैं, लेकिन 500 का सैंपल इज एनफ। तो मेक श्योर कि आपके दो ग्रुप्स में हर एक में 500 का हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 1000 ईएस से प्लस का आप सैंपल लें, लार्ज सैंपल लें, उसके ऊपर काम करके आप स्प्लिट कर सकते हैं और स्प्लिट करके फिर अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। सो दिस इज अ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेनू, स्प्लिट फाइल। आई होप दैट वॉज यूजफुल। थैंक यू।